क्या सोलू सिकुआ होंगे रोमेज के अगले शिकार या फिर कह लो कि सोलू सिकुआ होंगे रोमेज के अगले अपोनेंट। क्योंकि गाइस इस समय रोमेज के जाने के बाद सोलू सिकुआ ने सारे हदें पार कर दी यहाँ पर WWE में। रोमेज के बनाया हुआ एक एक चीज यहाँ पर सोलू सिकुआ ने काफी पूरी तरह से बिगाड़ दिया है, वो चाहे ब्लड लाइन हो या फिर चाहे उनका कोई भी कैरेक्टर हो। और सोलू सिकुआ उन्ही का माइंड सेट लेकर जो की इस समय आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर पॉल हिमन को जबरदस्त करके उनको एक्नोलेज करवाया, उसके बाद जिमी उसो से ब्लड लाइन को बाहर निकाल दिया। तो वेल गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात कर लेते हैं रोमेज के रिटर्न के बारे में। तो गाइस रेसलमेनिया 40 के बाद रोमेज एक बार भी अभी तक WWE में दिखाई देने को नहीं मिली, जब से वो अपना यहाँ पर टाइटल हारे हैं रेसलमेनिया में कोडी रोड के साथ। उसके बाद गाइस यहाँ पर उनको लेकर यहाँ पर एक नया स्पेकुलेशन ये निकल के आ रहा है कि रोमेज इस बार समर स्लैम में रिटर्न करने वाले हैं। और गाइस ये जब मैच हो रहा होगा सोलू सिकुआ वर्सेस कोडी रोड, इस मैच में यहाँ पर रोमेज का रिटर्न देखने को मिल सकता है, जहाँ रोमेज आने के बाद इस मैच में दखल अंदाज कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर सोलू सिकुआ का साइड न लेकर बल्कि यहाँ पर कोडी रोड को सेव करे, क्योंकि गाइस सोलू सिकुआ ने अपने आप को खुद ट्रैवल चीफ के रूप में मानकर उन्होंने सारे हदें पार कर दिया है। वैसे गाइस अगर बात करें समर स्लैम के बारे में तो समर स्लैम का हिस्ट्री भी काफी लाजवाब रहा है। पिछले 4-5 सालों से यहाँ पर समर स्लैम का हिस्ट्री रिकॉर्ड रहा है, यहाँ पर काफी सारे रेसलरों का रिटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पर 100% कन्फर्म है या तो यहाँ पर रोमेज का रिटर्न देखने को मिलेगा या फिर ब्रॉक लेसनर या फिर हो सकता है बेकी लिंच या फिर हो सकता है यहाँ पर चार्लिन फ्लेयर का रिटर्न देखने को मिल सकता है। गाइस जब भी रोमेज इस बार रिटर्न करेंगे तो इसी मैच में इनका रिटर्न देखने को मिल सकता है और 100% है वो सोलू सिकुआ के ऊपर अटैक करने ही वाले हैं। और ये सोलू सिकुआ का न्यू ब्लड लाइन टीम है आप देख सकते हैं, जहां उन्होंने टामा टोमा टामा लोंगा उसके साथ साथ यहाँ पर पॉल हिमन को भी जबरदस्त यहाँ पर एक्नोलेज करवा लिया है। और गाइस यहाँ पर पॉल हिमन ने ये क्लियरली मेंशन कर दिया था कि उनके जो ट्रैवल चीफ है वो सोलू सिकुआ नहीं बल्कि रोमेज ही है। पॉल हिमन का एक बात भी न मारकर उनको भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया था और जबरदस्ती उनको एक्नोलेजमेंट करवाया। गाइस उसके साथ साथ यहाँ पर सोलू सिकुआ की टीम भी जो थी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था यहाँ पर जिमी उसो और जी उसो को भी। गाइस यहाँ पर देखना यू होगा कि आखिर क्या होने वाला है इस बार समर स्लैम में। तो गाइस जो भी होगा यहाँ पर कमाल का होगा, क्योंकि हर बार रोमेज का रिटर्न देखने को मिलता है न्यू कैरेक्टर में। तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आखिर आप किस रेसलर का रिटर्न यहाँ पर देखना चाहते हैं।